नमस्ते, हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स पुलाव। आइए पुलाव बनाना शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट्स पुलाव बनाने के लिए हमने ये कुकर पहले से चढ़ा दिया, गर्म हो गया। इसमें हम 2 टेबल स्पून डालेंगे देसी घी, 1 इसमें हम 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 ये मोटी वाली इलायची डालेंगे, इसको हमने कूट लिया है, इसे 4 ये खड़ी इलायची डाल देंगे, 10-12 काली मिर्च डाल देंगे, 8 लौंग डालेंगे और 2 ये तेज पत्ता हमने लिया है इसको डाल देंगे, 1 जावित्री का टुकड़ा लिया है इसको डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भून गया है। अब इसमें हमने 15 बादाम ली हैं, इस तरह से काट लिया है, इसको डाल देंगे। हमने 1/2 कटोरी मखाना लिए हैं, इसको डाल देंगे। ये 15 काजू हमने लिए हैं, इसको हमने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है, इसको भी इसमें हम डाल देंगे। इन सबको भी हम भून लेंगे इसमें हल्का सा। मसाला और ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इसमें हम 1 कटोरी चावल डालेंगे, ये चावल हमने अच्छे से धुल के रखा है, इसको हम कुकर में डाल देंगे। चावल को भी हम थोड़ा भून लेंगे। चावल भी हमारा भुन गया है। अब 1 कटोरी, इस कटोरी से नाप के हमने जो है चावल लिया था, इसी कटोरी से नाप के 1.5 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। आधी कटोरी पानी और डाल देंगे।
इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम हाफ टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला। और हल्का सा नमक डाल देंगे। कुकर को हम बंद कर देंगे। इसको हम 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तीन सीटी आ चुकी हैं, कुकर हमारा ठंडा हो गया है। ये पुलाव बनके हमारा रेडी है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स पुलाव बन के रेडी है। आप लोगों को हमारे ड्राई फ्रूट्स पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।